साहब गवाही देने थाना गया तो टीआई ने मारी 50 लाठी। घायल अवस्था में एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने की शिकायत। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार। रीवा जिले के नईगढ़ी थाने में पदस्थ थाना प्रभारी महोदय का एक कारनामा सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति गांव में हुई मारपीट की एक घटना में वह गवाह बनकर गवाही देने थाना पहुंचा था, लेकिन थाना प्रभारी ने उल्टा ही पीड़ित को धमकाया और एक अन्य पुलिस कर्मी के साथ पीड़ित को एक स्पेशल सेल पे ले गए। पीड़ित का दोनों हाथ फैलवा कर उसके हाथों में 50 से अधिक लाठियां बरसाई गयी। मामले की शिकायत लेकर पीड़ित आज एसपी कार्यालय पहुंचा और थाना प्रभारी के खिलाफ एडिशनल एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र का है। बीते दिनों गांव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वहां पर मौजूद कमलाकांत चतुर्वेदी घटना के दौरान उपस्थित थे। घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते एक पक्ष के लोगों ने उसका नाम थाने में गवाही के तौर पर लिखवा दिया। घटना के दूसरे दिन जब कमलाकांत को पुलिस उसे नईगढ़ी थाने बुलाया और उसका बयान लेना शुरू किया तो थाना प्रभारी जगदेश सिंह ठाकुर उल्टा उसी पर ही पैसा लेकर झूठी गवाही देने का आरोप लगाते हुए उसे एक अलग कमरे में ले गए और एक अन्य पुलिस कर्मी के साथ मिलकर लाठियों से जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित कमलाकांत चतुर्वेदी का आरोप है कि पीड़ित की थाना प्रभारी और एक अन्य पुलिस कर्मी उस पर 50 से अधिक लाठियां बरसाई। दोनों हाथों को फैलाकर उस पर ताबड़तोड़ लाठियां मारी गयी, जिसके कारण उसके हाथ और पैर में काफी सूजन आया हुआ है। बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने एडिशनल एसपी अनिल सोनकार से नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर व अन्य पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। वहीं पूरे मामले पर एडिशनल एसपी अनिल सोरकार ने बताया कि शिकायत मिली है कि नईगढ़ी थाना प्रभारी के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ अनाधिकृत रूप से मारपीट की गई है। मामला संज्ञान में आया है, जांच कराई जाएगी। मामले पर अगर किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ने मारपीट की होगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। हाँ, एक सूचना भी प्राप्त हुई है कि नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ने किसी को जो है अनाधिकृत रूप से मारपीट की है। ये संज्ञान में अभी बात आई है और आवेदक भी जो है रिपोर्ट करने आ रहे हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। जैसे ही आ जाएगी उनसे बात की जाएगी और उसकी जांच कराई जाएगी। यदि पुलिस की तरफ से किसी अधिकारी कर्मचारी ने कुछ अतिशय किया हो जो कानून परिधि में नहीं आता, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। घटना हम पर गवाही में गए, दो लोग झगड़ा किए, कमल चतुर्वेदी, मैं वहाँ चौराहा पर बैठा था, वहाँ गया तो मैं देखा तो ये सब मार रहे थे उसको, कमलाकांत चतुर्वेदी को और उसकी औरत को, तो हुफा हुफा, तो मैं मना किया। फिर यहाँ से हम आपस आया, वो लोग घेर के मारे थे, मना कर रहा था। फिर इसके बाद मैं थाने गवाही भी हम भाई लाए और मेरे को टीआई साहब बोले तो झूठ बोल रहे हो, पैसा लिए हो और उन लोगों को गलत बोल रहे हो। फिर फोरूम में 3 नंबर में ले गए, मेरे को मारना चालू कर। आप कहाँ ले गए थे? मैं गवाही में साहब ले गए थे मेरे को, जिनके साथ मारपीट हुई उनके तरफ से आप गवाही? जी 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 जी। कहाँ से मारे पुलिस वालों? डंडा से मारे हैं साहब। कहाँ कहाँ मारपीट की? शरीर में कहाँ कहाँ चोट आई? शरीर में साहब यहीं हाथ में लगा है और पीछे लाठी, दो लाठी मारे थे, अभी निशान है, काला पड़ गया है। हाथ में भी सूजन? जी हाथ में भी सूजन जी, हाथ तो सूजन। कहाँ ले जाकर मारे थे? शोरूम में 3 नंबर में। कितने डंडे मारे होंगे? शोरूम कहाँ? शोरूम कहाँ? ये अलग रूम रहता है थाने का। अच्छा, थाने का शोरूम जी। वहाँ कैमरा नहीं लगा? अब सर कमरा नहीं लगा है, वो अलग रूम में ही है। कौन कौन लोग? टीआई साहब स्वयं मारे हैं, एक पुलिस वाला और था। क्या नाम है टीआई साहब? हम नाम नहीं जानता। कितने डंडे मारे था? करीब हमको मारे होंगे 50 डंडा मारे होंगे। थाना कौन सा था? थाना नईगढ़ी था। एडिशनल साहब से आपने शिकायत की, क्या था वो? एडिशनल साहब से आप मिले हैं अभी, क्या था, क्या बोले वो? बोले आप कार्रवाई करवाओ, देखे सुने सामने खड़े थे। कार्रवाई करने की बात कहीं एफ पी से मिलने आए थे आप, क्या बोले? अब साहब बोले कि ठीक है, मैं रिपोर्ट वपोर्ट लिख लिए हैं। ठीक है।